हैं मिसबा के घर पे। मिसबा की बिल्ली से मिलने। मिसबा की अली किससे मिलने आए तू? बिल्ली मियाँ से ना। मिसबा के दो पापा के। ओ कितनी प्यारी है माशाल्लाह। बैठ बैठ नीचे बैठ अली। लड़ाई कराने का अली को। और जोहान बेबी सोया हुआ उधर उसकी बात कर रहा है कुकुम्बर की खीरा खीरा उसको देख के वो भूल गया क्या नाम है। अगर अलेक्सा को ना तभी तक की लड़के को सब लड़ा करवा देना कौन जीतेगा। अली ने क्या नाम बोला एक का अलेक्सा और दूसरे का गूगल गूगल देखा नाम देख बच्चे लोग का नाम रखेंगे ना इसके यूट्यूब इंस्टाग्राम हाँ महमूद ने बोला था ना एक वीडियो में अलेक्सा इसकी जो भी बात है सब वीडियो की रहती है देखते रहते हैं ना वो खाली मैं ही समझ पाता हूँ कि मैं भी देखते रहता हूँ। हाँ मिसबा का देखते रहता है बहुत लोग मानते हैं जिम नहीं गया अभी आ रही हो भैंस मैंने क्या करेंगे भैंस मीटिंग करना है क्या लेकिन बनाया देखना उसने सही बोला झूठ बोले कौवा काटे सही है बेटा उसको पता नहीं उसको गाना सुना है उसने झूठ बोले कौवा काटे बेहोश कुछ भी बोलते कहना क्या चाहते हो बहुत चल गए लेकिन खतरनाक देखा तुम मिसबा के रिपोर्ट से मेरे को बोल रहा है तुम्हारा कौन कौन सा रिमोट खराब है मेरे को बोला कि मेरे को टीवी चालू करने का रिमोट कौन सा बताओ तो मैंने बोली ये रिमोट है लेकिन खराब है तो बोला अच्छा एक काम करो तुम्हारे जो जो खराब रिमोट है मेरे को दे दो तो मैं बोली ये मैं बोली क्या करेगा खेलेगा क्या तो बोलता नहीं क्या करेगा बताओ अच्छे दाम में बेचेगा चालू हो गई है इसकी मस्ती जोहान के साथ और जोहान ने ले ली अपनी चड्डी मुंह में है ना अली जोहान ने ले ली अपनी चड्डी और अली पकड़ रहा है इसके साथ खेल रहा है कबड्डी है ना जोई मामू तुम्हारे साथ कबड्डी खेल रहे या अरे 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 देखो इसकी हरकतें देखो है ना बूबा क्यों ले रहा है वो सब हाथ नहीं लगाना वो सब चीजों पे समझा सब पूरा सामान का लाके रखे
अरे छोड़ दे रहे उसको, छोड़ दे थोड़ी देर के लिए मामू, हट गिरेगा गिरेगा हट, टर्न हो गया देख तेरे बगल के नीचे, उसका भी दिमाग कितना है देख, कैसे छुड़ा दे देख, कैसे छुड़ा दे देख, कैसे पकड़ा देख नाक, देखे बच्चे लोग को भी कितना दिमाग है, उन लोग को मालूम है कैसे हटाने का, खींच 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 उसका बाल, खींच खींच बाल, खींच खींच जवान, अरे छोड़ ना उसको, अली छोड़ उसको, गोली गोली। आज दूसरा दिन है मेरा, नहीं कल आधा दिन से आई थी तो आज डेढ़ दिन है मेरा, तो मुझे पूछना है कि कल आज कल रात को तो थी नहीं, आज मॉर्निंग में ऑफिस गए हैं, तो ऑफिस के लिए तुम कैसा उठे ये तो मुझे बताओ। देखो जान अल्लाह ना उठा देता है, सबसे बड़ी चीज 40 फोन बजने के बाद भी नहीं उठा। वाह 40 जन ने, मेरे दोस्त की वाइफ ने फोन करी, उसके बेटे ने फोन किया, मेरे दो दोस्तों ने फोन किया, कंटिन्यू फोन किए। और उठे कितने बजे तुम? मैं 9:30 बजे एक दोस्त को फोन को जवाब दिया, मैं बोला 9 बजे हाँ। मैं बोला पागल देखो 10 बजे बोले तो अभी फोन कर रहा है हाँ। तो बोले ठीक है चल मैं 10 बजे तो सो जाए घंटा, ठीक है वो वहाँ से आते विरार से आता है तो उसको उन लोग के लिए जल्दी हो गई ना, अभी अपने लिए तो बाजू में था काम, मतलब चल सो जाता। 11:10 को मेरी ना अल्लाह ने क्या मालूम कैसी करवट बदली करा, और बस मैं आँख खुली और जो भागे रहा हूँ, ठीक है 11:30 बजे कॉन्सुलेट का लास्ट टाइमिंग होता है, इतना याद किया, तुम नहीं रहते तो एटलीस्ट निदा रहती थी तो उठा देती थी ना मेरे को, तुम मेरे को हमेशा 8 बजे उठ जाती, लेकिन ये मेरे को हमेशा बोलते हैं निदा कैसे उठाती है मालूम, 9:30, 10, 10:30, 10:30 तुम पर्सनल अलार्म हो, हमें अलार्म हो, मुझे मालूम था याद भी, मेरे को टेंशन ही था कि ये आदमी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। 11:30 बजे के 12 बजे फोन करके उठ गए, मतलब मेहरबानी भाई तुम्हारी। अरे सोते हम लोग कितने बजे सोए, सुबह में 6 बजे सोए मालूम तुम्हारे को, ये भी ये चिंटुकड़ा भी जागा, और इसको इसको इतना इसको पूरा आते के साथ मैं ही संभाल रही थी, बच्ची की तो पैर में दर्द, तुम देखे बच्ची का पैर क्या हुआ बता, असल में जान में आया ट्रेन में, बहुत साल बाद ट्रेन का सफर किया, उसके बाद मैंने आज क्या करा, एक नया एक्सपीरियंस करने का था, तो मैं ना रिक्शा में बैठा, लेकिन फिर मैं बोला नहीं आज मैं जाता शेयरिंग के अंदर, मैं शेयरिंग पकड़ के आया टैक्सी पकड़ के, कितने घंटा लगा तुमको ट्रेन से? ना रिक्शा वाले में हिलते डुलते बहुत कंटाला आ रहा था, तो मतलब इको में बैठूंगा, लोग शेयरिंग वाले बहुत फास्ट चलाते तो हवा लगेगी, और गर्म मजबूत हो रहा था तो मतलब हवा लगेगी, वाकई में हवा लगी तो जरा जाके सुकून ना, तो रिक्शा में भी हवा लगती बेटा बहुत हिलती रिक्शा, डिंग डांग खड्डे में सच्चा है, इको वाले फटा चीज का तजुर्बा रखना चाहिए, सही बात, अल्लाह ने जो भी दिया उसका, तो मैं लोगों को देख रहा था बेचारे बैग लगाए ले डब्बा हाथ में, मैं सोच रहा था ये अल्लाह तेरा करोड़ एहसान है, सही बात है, सोच मेरे जितना भी हो इंसान को उतने में खुश भी होना चाहिए और शुक्र भी मानना चाहिए, हकीकत में मैं बोलता ना माँ बाप की दुआ बोलो, और जिससे अपने मेन तो नेक दिल साफ है, अच्छा बीवी की दुआ नहीं है, अरे सुन तो सही, बीवी की दुआ तो पहले मैं सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ मालूम है तुम्हारे को, तो मैं बोली मेरा मियाँ ट्रेन में आ रहा है सही सलामत साथ खरीद के साथ इधर आए, डड्डू मम्मी ने सुबह शाम यही दुआ करे, मेरे आदमी टिका रहे जॉब, मेरा मालूम है ये मूडी है ये काम छोड़ देंगे, तुम्हारा को हैरान कर देंगे, सुबह में क्या बनाई शाम में क्या बनाई रात में क्या बनाई, तो मम्मी खाना बनाते ही रह जाएंगे, निदा ये अगर काम छोड़ेंगे ना तो देवरानी जिठानी क्या बोलते हैं उसको सारे कैरेक्टर है इनके अंदर, तो मैं इतने लोग को झेल नहीं सकती हूँ, तुम काम पे जाते तो मेरे लिए अच्छा है, काम कर रहा हूँ ना जान तो अल्लाह का शुक्र मानो, बहुत बहुत शुक्र है, मेरी नियत यही रहती है लास्ट दिन करूंगा, आज लास्ट दिन करूंगा, तो ऐसा नियत करते करते ना 5-6 साल निकाल लो तुम, 2.5 साल की तो वारंटी है, गारंटी वारंटी है मेरी बात की, समझे समझ गई चलो अभी खाना दे दो, चलो मैं अभी खाना देती हूँ तुम्हारे को, ठीक है खाना ये बताना जरूर मैंने बनाई हूँ, आज तो हमारी बेटी ने फिश करी बनाई है, चलो देखते बहुत दिन से पसंद था इनको फिश करी, बेटी में कितना टेस्ट, हम दोनों में टेस्ट है, सॉरी हम दोनों अच्छा टेस्टी बनाते है ना, चलो निकालती हूँ खाना तुम लोग को, बच्ची का पैर तो देखो, अरे हाँ पैर फिर देख देखी भूल गए, असल में गरम बहुत देर बैठा, तो एसी के नीचे बिठाए हुए तुम्हारे, आज लप लपा लेप अरे दबा लेप दबा लेप इसको, सूजन है देखो कैसी पैर में अभी तक, अबे तो सूजन छोड़ो लुक मारा है तेल लगा, मैं मालिश कर देती हूँ, तुम एक काम करो तुम्हारे हाथ से सदका निकालो, तुम्हारे हाथ का सदका निकला वो बहुत अच्छा रहता है, सही है ना हम लोग, तो वो भी सैयद ही थी हाँ। तुम भी सैयद ही हो, वो भी सैयद ही आएगा, खान भी आएगा सैयद भी आएगा सब आएगा, वो डॉक्टर आएगा, तू भी सैयद है बेटा,
चलो सत्कार में देती हूँ, सत्कार निकालो बच्ची का। अरे ये गिरी तो गिरी, इसको दूसरे पैर पे भी कर लगा। कैसा क्या मालूम, पता नहीं क्या पनौती लगी उसके साथ। नानी जाग गए। तुम एक दिन तुम्हारी माँ का कर पैर पे लगा कल मिसबा के घर पे रात को। फिर और क्या पता है कैसा चल रही थी, दोनों पैर से यू करके चल रही थी। अभी नहीं है ये वाले पैर में, तो दर्द नहीं है वाले। तुम पहले सत्का निकालो बच्ची का, सबसे पहले सत्का निकालो। चिल्लर पड़ा क्या, लेके जल्दी लेके सत्का निकाले इसका। चिल्लर 5, 12, 14 का ही देते थे। हाँ भले 100 रुपए भी पड़ा हो तो 100 रुपए का नहीं देना चाहिए। सही बात है। 100 रुपए का फकीर को ना नियत करके खिला देना चाहिए कि खिला दो। क्या बोलता मेरा मम्मा, मैं ना देखो कल से क्या बोल रहा हूँ मालूम है, सुबह उठ के फजर की नमाज चालू कर। वो पढ़ता है ना मेरे साथ। जवान तुम पढ़ते हो नमाज नानू के साथ? मेरा बच्चा वैसे पढ़ेगा नाना। लाया 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 सत्कार, जल्दी जाओ। बेटी का भी, नवासे का भी और दामाद का भी। 5 रुपए में हाँ, तेरा तो मैं डेली निकालती हूँ बेटा। निकालो अपने हाथ से, निकाल निकाल दे बेटा। इन लोग भूल जाते, दादा दादी सबका निकाल, इन लोग भूल जाते। निकाल दे बेटा रोज सुबह फिर फजर में जब जाते ना नमाज को, तेरे दादा जब भी सबका निकाल दे, ए से लेके जेड का नाम लेके निकाल दे। So guys, मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आई लव यू ऑल। और मैं तो आपको कल को लग में और ये तो सुन आगे आ रहा है। वो पीछे जा रहा है। एकदम राइट है उसकी। ओ, 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 ओ.